वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इससे पहले हमने यूनिट वन के जो भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको एक एक करके हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर टाइप अगर आपने नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, आज के वीडियो में। पहला आपका है कि प्रोटोनीमा क्या है, प्रोटोनीमा बताइए, मतलब प्रोटोनीमा क्या है। ये हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइटा। तो प्रोटोनीमा ब्रायोफाइटा के पौधे में कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये हमको बताना है, ठीक। कह रहा मॉस क्या है, मॉस जो कि आपका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, के स्पोर्स जब किसी उपयुक्त स्थान पर गिरते हैं, किसके, मॉस के स्पोर जब किसी उपयुक्त यानी कि सुटेबल स्थान पर गिरते हैं तो जल सूख कर इनका क्या हो जाता है, जल सूख कर इनका जीव द्रव्य फूलने लगता है। ये क्या करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं और इनका जो जीव द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। इसके बाद इससे इसका बाह्य कवच यानी कि जो एग्जाइन होती है सबसे बाहरी लेयर होती है वो क्या हो जाती है, फट जाती है। और अंता कवच, इसके अंदर जो आपका एक और कवच होती है जिसे इंटाइन कहते हैं, ठीक है, एक नलिका के रूप में बाहर निकल आती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसकी जो बाहर की लेयर होगी वो क्या हो जाएगी, जल सोखने के साथ, जल सोखने के कारण कैसी हो जाएगी, एग्जाइन, ये क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। और फूलने के बाद क्या हो जाएगी, ये आपकी फट जाएगी, ठीक है, कुछ मान लो ऐसे फट गई। अब इस फटने के बाद इसके अंदर जो एक और लेयर थी आपकी इंटाइन, ठीक है, इंटाइन, ये क्या हो गई, ये आपकी एक नालिका के रूप में क्या हो जाएगी, आपकी ये बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये कह रहा, और कह रहा है स्पोर के निकट इस नालिका से एक राइजॉइड निकल आता है, स्पोर्स के निकट इस नाली, जो नालिका निकली है इसमें क्या आ जाता है, आपका एक राइजॉइड आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, राइजॉइड आ जाता है, ठीक, जो इसको चिपकाए रखता है। नालिका एक बहुकोशिकीय शाखा युक्त तथा तंतुवत संरचना बनाती है, कैसी बनाती है, कोशिकाएं कैसी होंगी, मल्टी सेलुलर होगा, ये कैसा होगा, बहुकोशिक होगा, और कैसा होगा, शाखा युक्त, इसमें शाखाएं निकल आएंगी, ठीक है, और तंतुवत, ठीक है, कैसा होगा, तंतुवत संरचना, इसमें तंतु भी आपके मिलेंगे, जिसे प्रोटोनीमा कहते हैं। इसी संरचना को क्या कहते हैं, हम प्रोटोनीमा के नाम से जानते हैं। इसकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण ये कैसे होते हैं आपके, प्रकाश संश्लेषी, ठीक है, कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी, और ये अपना भोजन आसानी से बना लेते हैं। ये हरे शैवाल होते हैं, ग्रीन एल्गी के समान आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, किसके समान, ग्रीन एल्गी के समान दिखाई देते हैं, ठीक। तो अगर हम इसको बात करें प्रोटोनीमा, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो मॉस के स्पोर्स किसी उपयुक्त स्थान पर गिरते हैं, उपयुक्त स्थान मतलब सुटेबल कंडीशन, जैसे इसको नम जगह चाहिए, ठीक है, कैसी, नम जगह, तो क्या करेगा, वहां से जल सोख लेगा, क्या करेगा, जल सोख लेगा, और ये कैसा हो जाएगा, फूलने लगेगा, कैसा हो जाएगा, इसका जो बाहरी कवच होता है वो कैसा हो जाता है, फूलने के कारण अब ये फट जाएगा, और इसके अंदर सबसे बाहरी लेयर के अंदर एक और लेयर होती है उसको कहते हैं एंटाइन, वो नालिका के रूप में बाहर आ जाती है, ठीक है, किसके रूप में, नालिका के रूप में बाहर आ जाती है, और स्पोर के निकट में क्या बना लेते हैं, राइजॉइड बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, राइजॉइड बना लेते हैं, ठीक है। और यह नलिका कैसी होती है, बहुकोशिकीय, और आपकी कैसी होती है, तंतुवत संरचना बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा कहते हैं। अब इसी को हम क्या कहते हैं भाई, प्रोटोनीमा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया। और ये कैसे होते हैं आपके, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इनकी कोशिकाओं में, और कैसे होते हैं, हरे शैवाल होते हैं, कैसे होते हैं, हरे शैवालों के समान ये हमें दिखाई देते हैं, ठीक। अब हम बात करें कि ये जो आपका है, ये आपका निकला था नलिका के रूप में, ठीक है, किसके रूप में निकला था, ये आपका नलिका के रूप में निकला था, और इसमें इसने क्या करा, धीरे धीरे कुछ ये इस तरह की संरचनाएं बना ली जिन्हें क्या कहते हैं, राइजॉइड, ये क्या है आपकी, ये है आपकी राइजॉइड, ठीक है, जो इसको चिपकाए रखते हैं, ठीक है, या जड़ की भांति कार्य करते हैं, लेकिन इनमें जड़ तना तीनों अलग अलग नहीं होते, जड़ की तरह ये काम करते हैं, ठीक है, राइजॉइड इनको चिपकाए रखते हैं जमीन से, तो ये क्या है आपके, राइजॉइड है। और इसमें क्या है आपका, क्लोरोनीमा, ये इसके राइजॉइड के जस्ट पास में आपका क्या है, क्लोरोनीमा, ठीक है, क्या होता है आपका, क्लोरोनीमा, ठीक, क्या पाया जाता है इनमें, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो इनमें क्या है यहाँ पर, क्लोरोनीमा नाम की संरचना है। इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रही कलियां, ठीक है, ये कुछ इस तरह की,
इसी की कैसी है, इसी की शाखाएं, इसलिए कैसा होता है, बहुसाखित होता है। कैसा होता है, बहुसाखित, यानी कि मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है ये, मल्टी सेलुलर। और ये आपके क्या बन जाते हैं, कुछ बड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बड्स, जिन्हें कलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कलिका। अब यही क्या करते हैं, और एक नया पौधा जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके लीफी बड है, ठीक है, पत्तियों के समान ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, लीफी बड्स, नई कलिकाएं आपको दिखाई दे रही है, ठीक। और ये क्या हो जाएगा आपका, प्राइमरी प्रोटोनीमा। ये जो सबसे पहला आपका है, इसको कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा, ठीक है। सबसे पहला, सबसे नीचे वाला जो आपका एक कोशिका है, उसे कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। और सबसे ऊपर जो आपका है, इसको कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है। तो यही आपके क्या कहलाते हैं, प्रोटोनीमा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रोटोनीमा कहलाते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये तो था आपका प्रोटोनीमा। क्या था, प्रोटोनीमा। अब कह रहा कि इसकी हरी शाखाएं क्लोरोनेमा कहलाते हैं, ये था, ठीक है। ये जो आपका लिखा हुआ क्लोरोनेमा, ये कैसी होती है आपकी, हरी शाखाएं। कैसी होती हैं, हरी शाखाएं, जिन्हें हम कहते हैं क्लोरोनेमा कहते हैं, ठीक है। कुछ शाखाएं जो रंगहीन होती, कैसी होती है, कलरलेस होती हैं। उनमें क्या होता है, उनमें ओविक सेप्टा होते हैं। उनमें क्या पाया जाता है, ओविक सेप्टा होते हैं। किसमें, जो कलरलेस शाखाएं होती हैं, रंगहीन शाखाएं होती हैं, उनमें क्या पाया जाएगा आपका, ओविक सेप्टा, ओब्लिक ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, ऑब्लिक सेप्टा। ये मिट्टी में धसे रहते हैं। किसमें धसी रहती है, मिट्टी में, ठीक है। जिनमें क्या होता है आपका, रंगहीन होती है, ठीक है। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। कहाँ धसी रहती है आपकी, मिट्टी में नीचे धसी रहती है। इन्हें राइजोइडल ब्रांचेस कहते हैं, जमीन के अंदर होती है। शाखाएं प्रकाश में आने पर हरे रंग की हो जाती हैं, और जब ये प्रकाश के संपर्क में आती हैं, ठीक है, या इन पर लाइट पड़ती है, तो ये कैसे रंग की हो जाती है, ग्रीन रंग की हमको दिखने लगती हैं। तथा द्वितीय प्रोटोनीमा बनाती हैं। क्या बनाएंगी, ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा का निर्माण करती हैं, ठीक है। कह रहा है प्रोटोनीमा पर जगह जगह पार्श्व कलिकाएं निकल आती हैं, ठीक है। ये जो आपकी दिखाई दे रही है, ये बड्स, ठीक है, लीफी बड्स, इन्हीं को कहते हैं पार्श्व कलिकाएं। ये जगह जगह पर आपको देखने को मिल जाती हैं, और जिससे मांस के पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, ये आगे ग्रो कर लेगा, वृद्धि कर लेगा, और एक मांस के पौधे को जन्म देगा, ठीक है। मांस का पौधा यहाँ से बन जाएगा। तो ये तो था आपका शॉर्ट आंसर, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर, तो जिसका हमने ये पढ़ा था। अगले वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी आपका कैसा होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।